स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सीजंस व्हिच आर रिलेटेड टू वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन. डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग वेदर क्लाइमेट और एडेप्टेशन चैप्टर्स का स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम लोग सीजंस या ऋतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. कैसे हमारी धरती, हमारे प्लैनेट धरती पर सीजंस अकरिंग होते हैं, कैसे मौसम ऋतुएं घटित होती है. जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे यहाँ चार तरह के कुल सीजन होते हैं, ऑटम, समर, विंटर, रेनी. ये चार सीजन हैं. तो कैसे ये सीजन हर दो तीन चार महीने के बाद चेंज कर जाते हैं, आज हम उन्हें रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी धरती जो है, हमारा प्लैनेट अर्थ जो है, सो दो भागों में बटा हुआ है, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल. एक को हम उत्तरी ध्रुव और दूसरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं. जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर यहाँ 66.5 डिग्री से झुका हुआ है और यहाँ 23.5 डिग्री से झुका हुआ है. इसी टिल्टेड होने के कारण, थोड़ा तिरछा होने के कारण ही हमारे यहाँ मौसम क्या होते हैं, ऋतु में क्या होती है, घटित होती है. अब हम बारी बारी से इस सबको डिटेल करेंगे. ड्यूरिंग ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ सन, आवर प्लैनेट अर्थ रिमेन्स टिल्टेड ऑन इट्स ओन एक्सिस. जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती रहती है, जिसको हम रिवॉल्यूशनरी मोमेंट कहते हैं, दो तरह की मोमेंट हमारी पृथ्वी एक्सप्रेस करती है, बताती है, जिसमें से एक को हम रोटेशन कहते हैं, जिसके चलते दिन रात घटित होता है, और दूसरा हम जिस मोमेंट की गति की चर्चा कर रहे हैं वो है अर्थ का सन के अराउंड साल भर, यानी कि एक वर्ष में घूम जाना, और उसी एक साल के अंदर में हम लोग बहुत सारे सीजन्स को घटते हुए देखते हैं. डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने यहाँ पर डिटेल किया, ड्यूरिंग ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, सूर्य का चक्कर लगाते हुए, आवर प्लैनेट अर्थ रिमेन्स टिल्टेड ऑन इट्स ओन एक्सिस, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर कुछ एक एंगल से झुकी हुई रहती है, कुछ एक रेडियन वैल्यूज से झुकी हुई रहती है, जिसमें से हमारा नॉर्थ पोल 23.5 डिग्री से झुका हुआ है और साउथ पोल 66.5 डिग्री से झुका हुआ रहता है. ड्यू टू दिस टिल्ट एट टाइम्स the northern hemisphere closer to the sun. जैसा कि गति करते करते किसी दिन एक ऐसी स्थिति आती है जब हमारी पृथ्वी का एक छोर, हमारी पृथ्वी का एक पोल सूर्य के एकदम नजदीक आ जाता है, वहीं दूसरा पोल बहुत दूर चला जाता है. यहाँ ये लॉन्ग डिस्टेंस है, यहाँ ये शॉर्ट डिस्टेंस है. अवश्य ही जो 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है वो अत्यंत नजदीक चला जाएगा, वहीं जो 66.5 डिग्री पर हमारा साउथ पोल झुका हुआ है वह सूर्य से अत्यंत दूर चला जाता है. स्वाभाविक सी बात है, नेचुरली हम यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ शॉर्ट डिस्टेंसेस है, यहाँ लॉन्ग डिस्टेंसेस है. जो शॉर्ट डिस्टेंसेस है वहाँ सूर्य की रोशनी ज्यादा पहुंचेगी, और जहाँ लॉन्ग डिस्टेंसेस है वहाँ सूर्य की रोशनी कम पहुंचेगी. जहाँ ज्यादा पहुंचा वहाँ हॉट वेदर, हॉट सीजन, और जहाँ सूर्य की किरणें कम पहुंची, यानी कि साउथ पोल पर कम पहुंच रही है, तो यहाँ पर उसी समय में कोल्ड वेदर या कोल्ड सीजन होगा, जिसको हम शरद ऋतु या फिर ग्रीष्म ऋतु कहते हैं. ये एक्चुअली में टिल्टेड होने के कारण ही है, क्योंकि हमारी पृथ्वी झुकी हुई है. जब गति करती है अपने पाथ पर तो वो कुछ एक उसका किनारा झुकता है, झुके जब वो किनारा झुकता है तो एक सिरा नजदीक और दूसरा सिरा दूर. जो नजदीक जाएगा
ड्यू टू दिस टिल्ट एट टाइम्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्लोजर टू द सन, ये सिरा नजदीक आ रहा है, सो मोर हीट एंड लाइट रिसीव्स। और परिणाम ये होता है कि ये नॉर्थ पोल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सूरज की किरणों को गेन करता है, लाइट को गेन करता है एंड एक्सपीरियंसेस हॉट समर सीजन। जो भाग सूर्य के नजदीक रहता है वहां ज्यादा गर्मी पड़ती है, और यही कारण है कि हमारा नॉर्थ पोल उस टाइम में समर सीजन को झेलता रहता है, जैसा कि अभी है। अभी हमारा नॉर्थ पोल सूर्य के एकदम नजदीक में है, परिणाम है हमारे इंडिया में, हमारे बिहार के अंदर में अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले हैं, और अभी उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य के एकदम नजदीक है, शॉर्ट डिस्टेंसेस पर है, यही कारण है कि हमारे यहाँ अभी समर सीजन है। वहीं अभी जब साउथ पोल की चर्चा करेंगे तो वो 66.5 डिग्री पर है और सूर्य से दूर है, तो एक ही समय में जब नॉर्थ पोल पर समर सीजन होती है तो ये लॉन्ग डिस्टेंसेस साउथ पोल पर है, तो वहां कौन सा सीजन होगा? तो वहां पर जो सीजन होगा वो विंटर सीजन होगा, जिसको हम शरद ऋतु कहते हैं। अब यही, अब इसके दूसरे कंडीशन को देखेंगे। ये तो नॉर्थ पोल की घटना हुई, अब साउथ पोल पर उसी समय में क्या घटित होती है? While at the times the southern hemisphere while at the times the southern hemisphere far away from the sun and receives low temperature of the sun and experiences कोल्ड सीजन। वही जब नॉर्थ सिरा शॉर्ट डिस्टेंसेस पर है, सूर्य से कम दूरी पर है, तो वहां समर सीजन, और ये साउथ पोल हमारा जो है जो 66.5 डिग्री पर झुका हुआ है वो दूर चला जाता है, तो यहाँ पर कोल्ड सीजन या शरद ऋतु आ जाती है। डियर स्टूडेंट, इसलिए एक ही समय में जब नॉर्थ पोल समर सीजन को झेलता है तो साउथ पोल किस सीजन को झेलेगा? कोल्ड सीजन को झेलेगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर कुछ एक एंगल से क्या है, झुकी हुई है। Thus we can say that due to tilt of the earth the hemisphere which is closer to the sun has hot weather while
वाइल एट द सेम टाइम ऑफ द ईयर, सेम टाइम ऑफ द ईयर अदर हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस कॉल्ड वेदर, कॉल्ड वेदर। और यही कारण है कि एक ही समय में पृथ्वी का एक सिरा अत्यधिक गर्मी को झेलती है, वही दूसरी सिरा जो है सो अत्यंत सर्द मौसम को झेलता है। सो द सीजन इज द साइक्लिक चेंज, सो द सीजन इज द साइक्लिक चेंज इन द वेदर कंडीशंस इन द वेदर कंडीशंस ड्यूरिंग अ ईयर अतः हम कह सकते हैं कि साल भर में एक वर्ष में जो भी वेदर कंडीशन में चेंजिंग आता है, मौसमी दशाओं में बदलाव आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सीजन कहते हैं। ये तब घटित होगा जब हमारी पृथ्वी अपने साल भर के गति के दौरान वो सूरज का क्या करती है, चक्कर लगाती है, उस स्थिति में सीजन क्या होते हैं, घटते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि कैसे हमारी पृथ्वी पर सीजन चेंज करते हैं। चेंज ऑफ सीजन्स ऑन अर्थ, अर्थ ऑन 21st March नॉर्दर्न हेमिस्फीयर experiences spring season while southern hemisphere experiences autumn season on 23rd September northern hemisphere experiences autumn season while southern hemisphere experiences spring season। ये दो कंडीशंस हैं कैसे हमारे पृथ्वी पर सीजन्स चेंज होते हैं। तो इसमें हमने डिटेल किया 21 मार्च को हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होती है, तो साउदर्न में ऑटम या पतझड़ ऋतु होता है। वही 23 सितंबर को जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन या पतझड़ ऋतु आती है, तो वही साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन आता है। अब हम देखेंगे
21 जून को क्या होती है हमारी धरती पर? ऑन 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर सीजन व्हाइल साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर सीजन ऑन 21st and 2nd October 22nd December दिसंबर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर सीजन व्हाइल साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर सीजन। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ आज हमारा वेदर क्लाइमेट और सीजन्स समाप्त हो रहा है। अब हम फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स संसार भर में कैसे बहुत सारे जीव अनुकूलित हैं जीने के लिए, इन सभी पॉइंट्स को डिटेल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।